नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेरे चेहरे को कभी भुला नहीं सकते, तेरी याद को भी दबा नहीं सकते, आखिर में मेरी जान चली जाएगी, मगर दिल में किसी और को बसा नहीं सकते। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदि मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो समझ लेना वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। आपको भी दिल से जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, इसे आपको भी खुशी होगी और मालिक की प्रसन्नता भी आपको मिलेगी। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, बस इसे अपने मस्त स्वभाव से जियो। तुम जिंदगी से प्यार करो या मत करो, पर जो तुम्हें प्यार करते हैं उसे प्यार जरूर करना। जिंदगी से तुम्हें अपने आप प्यार हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है मरून, और शुभ अंक रहेगा 3। आज का दिन अच्छा रहेगा, कारोबार में लाभ हो सकता है। समाज के कामों में आज आप उत्साह के साथ भाग लेंगे। मानसिक शांति की तलाश में अध्यात्म से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आज का दिन चुनौतियों भरा रहेगा। दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, जिससे धैर्यशीलता में कमी आएगी। खुद में बदलाव की कोशिश करें, मन में नेगेटिव विचार हावी रहेंगे। जीवन को लेकर कोई कठोर फैसला कर सकते हैं। घर की सजावट पर भारी संख्या पर खर्च हो सकता है। आज आपको जो है, आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाना चाहिए। इसे आपको जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, और अपने पेरेंट्स की जो प्रसन्नता है वो भी मिल पाएगी। आज आपके घर में बहुत ही अच्छी सराहना हो सकती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। किसी नई जवाबदारी के चलते आपको ज़्यादा गंभीरता से काम करना होगा। आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम और सफलता के साथ साथ तारीफ भी मिल सकती है। आपको कोई गिफ्ट भी आज कर सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। आज आपके जो पुराने साथी हैं वो आपसे मिल सकते हैं। समय में बदलाव काफ़ी हद तक आ रहा है, लाभदायक स्थितियां बन रही हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा हो सकता है, यानी कि कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा, सिर्फ उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन हुआ है वो अनुकूल साबित हो सकता है। अपनी पढ़ाई में फोकस बस जारी रखेगा, बाकी सब ठीक रहेगा। किसी अधीनस्थ कर्मचारी से वाद विवाद होने की स्थितियां बन रही है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। इंक्वायरी बैठ सकती है अगर आप ऐसा करेंगे तो। कोई केस भी बन सकता है। कहीं जाते समय रास्ते में अपनी चीज़ों को संभाल कर रखिएगा। चीज़ों का खो जाने का आज आपको डर लगा रहेगा, ऐसे सितारे कह रहे हैं आज, इसीलिए संभल कर रहिएगा। आज आपको बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी मिल सकती है। ऐसा खास तौर पर आपके दफ्तर या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर हो सकता है। संभव है कि किसी नए प्रोजेक्ट में आज आपको लीडरशिप करने का मौका मिल सकता है। ये बहुत ही उम्दा और अच्छी बात है। आप इसे खुले मन से स्वीकार करेंगे तो ये आपको अप्रत्याशित परिणाम लेकर आ सकता है। आपके लिए जो है थोड़ा समय अपने प्रियजनों के लिए निकालने की सलाह भी दी गई है, ऐसे सितारे कह रहे हैं। क्योंकि परिवार के साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपकी राशि के जातक जो है आज आराम करने के मूड में भी रह सकते हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति आपको आराम करने के बजाय
काम करने के अवसर ज़्यादा प्रदान कर रही है, तो इसका आपको बहुत ही फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि काम अगर आपके पास आया है तो ये बहुत बढ़िया बात है आपको आगे ले जाने के लिए। ये समय घर से बाहर निकलकर काम में ध्यान देने का है। आलस की वजह से घर में बैठे रहना कुछ उपलब्धियों को दूर कर सकता है, यानी कि आपके लिए काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत मौके मिल सकते हैं, इसलिए आराम फरमाकर आलस रखकर आप इन मौक़ों को मत गवाइएगा। इसलिए आज आसपास के किन्हीं अधूरे कामों को पूरा करने में समय लगाइए। घर में भी जो सुधार आदि करने हों उस पर विचार विमर्श करें। आप में से कुछ लोग घर की मुरम्मत या फिर नवीनीकरण करवा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। आज पति पत्नी के संबंध जो है उनमें मधुरता आएगी। सिर्फ अपने उत्तेजित स्वभाव पर आपको अंकुश लगाना होगा, क्योंकि ज़्यादा उत्तेजित ना अच्छी बात नहीं होनी। किसी भी बच्चे के गलत व्यवहार के कारण आप दोनों को परेशानी हो सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपका साथी आज आपको स्नेही और प्यारा लग सकता है, उन्हें प्यार करिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जीवन साथी के साथ संबंध आपके पहले से ज़्यादा अच्छे और सामान्य होने दिख रहे हैं। अपने अपने कार्यों में बिजी रहने के कारण एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने को समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन संबंधों में कड़ुता नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनको आज कोई प्रपोज भी कर सकता है। अगर आप अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपको अपना जीवन साथी अवश्य मिल सकता है। आपके साथी के द्वारा दिया गया एक सरप्राइज आपका दिन बना सकता है। साथी की छोटी छोटी चीज़ों की सराहना करें, उनका ख्याल रखिए, उन्हें पूछिए कि उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो रिश्ता है पहले से भी ज़्यादा अधिक मजबूत होता नज़र आ सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि मीडिया या फिर फ़ोन द्वारा कोई इम्पॉर्टेंट समाचार आपके काम में फ़ायदा कर सकता है, यानी कि जो लोग न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किसी सरकारी काम को पूरा करने के लिए भी ये जो दिन है बहुत ही खास और उत्तम रह सकता है। सितारे बहुत अच्छे हैं। भूमि से रिलेटेड कोई कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कोई भी भूमि से रिलेटेड काम है तो उसमें आपको जो है सफलता मिल सकती है। आपके बॉस आपके द्वारा किए गए काम को पहचानते हैं और आपको ज़्यादा कार्य भी दे सकते हैं। आपको वह सराहना तो मिले ही जिसके आप हकदार हैं, इसलिए जो भी बॉस आज आपको काम दे उस पर आप मेहनत अभी से शुरू कर दें, ढील मत दीजिएगा। इससे आप जो है अपने बॉस को ज़्यादा इम्प्रेस भी कर पाएंगे, हो सकता है कि इससे आपकी प्रमोशन भी हो जाए। आज अपने सहयोगियों पर कोई निर्णय ना छोड़कर खुद ही आप हर एक कार्य को करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र में किसी की सलाह लेना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अपने क्रोध पर भी आज आपको जो है काबू करना ही होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं और या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की राय लेते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इसमें क्या सही है और क्या गलत रहेगा। आज आपको नई परियोजना का नेतृत्व करने का मौका भी मिल सकता है। सक्रिय रहें, एक्टिव रहें और इसे स्वीकार करें। परिणाम आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक मिलेंगे, यानी कि बहुत ही बढ़िया परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको अभी काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब्र का फल जो है वो काफ़ी मीठा ही होता है। आप अपना प्रयास लगातार जारी ही रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे स्वास्थ्य यानी हेल्थ की तरफ। तो आज स्वास्थ्य जो है आप में से काफ़ी लोगों का उत्तम और बढ़िया रहने वाला है, लेकिन स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। कोई सूजन जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। आपको बुखार होने की भी संभावना बन रही है, आपको ध्यान रखना है। बुखार जो होगा वो केवल और केवल मौसम की तब्दीली के कारण हो सकता है। रेकी या योग शुरू करने पर विचार करने के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। मेडिटेशन का सहारा भी आज आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, खांसी आदि की परेशानी महसूस हो सकती है।
आज आपके लिए जो है विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको गरीबों में गुप्त रूप से अन्न का दान करना चाहिए, और साथ ही साथ में अगर आप राशन का सामान भी उन्हें देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ में आप अपने इष्ट देव की पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलें, और घर में कपूर या चंदन गुग्गुलबान की धूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।